हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो हम अभी एंट्री लेने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ का व्यू देख रहे हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे भी आपको पूरा दिखाया जाएगा। इसमें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति को भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बनाया गया है इसको। ये मेरा दोस्त सेंदिल कुमार जो फ़ोन पर लगा हुआ है जब से आया तब से। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, आपको कैसे हम लोग एंट्री किए वो, और उसके अलावा अंदर कैसे पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर 5-5 मिनट में शटल बसेस है तो उसी में जाते हैं। तो अभी बस आने वाली है फ्रेंड्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हमें बस मिलेगी। योगेश भाई भी चल रहे हैं, बराबर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से रास्ता मिलेगा, क्योंकि पहले आ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया इनको भी। तो ये ढूंढ रहे हैं, अभी पूछा है किसी को तो वो बताएंगे रास्ता कहाँ है। तो ढूंढने के बाद फाइनली भगवान भी मिल जाते हैं तो रास्ता मिल ही जाएगा। और देखो, मिल ही गया, उन्होंने गाइड कर दिया है हमें कि कहाँ से हमें रास्ता मिलेगा फ्रेंड्स। तो अब ये यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं, यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे तो यहीं से बस हमें पिकअप करेगी और ड्रॉप पॉइंट भी यहीं पर ही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चले जा रहे हैं, इसी रास्ते में आगे जाने पर हमें बस मिलेगी और वहीं से कंटिन्यूसली बसेज हैं 5-5 मिनट में, जैसे बस फुल होती है। और हमें वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ पर है, जो पुतला बना हुआ है सरदार वल्लभ भाई जी पटेल का, वहाँ पर हमें ड्रॉप कर देती है। फिर वहाँ से सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, उस सिक्योरिटी चेक्स को कम्प्लीट करके हमें आगे जाना होता है। ये सब हमें योगेश भाई ने इन्फॉर्मेशन दी है। तो अभी हम इधर आ गए हैं, ये पूरा यहाँ का कैंपस है, बहुत ही बड़ा कैंपस बनाया हुआ है यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी का। बहुत ही अच्छा प्लेस है फ्रेंड्स, वन टाइम ज़रूर विज़िट कीजिए इसको, और बाद में आपकी इच्छा है तो विज़िट कर सकते हैं। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट्स वगैरह मिलती है, बट अभी ड्यू टू कोविड ऑनलाइन टिकट बुकिंग का सिस्टम अभी चल रहा है, तो आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं इसकी। ये रेट्स वगैरह भी मैंने यहाँ पर शो की है आप सब लोगों को। और बस ये बस स्टॉप है फ्रेंड्स, देख रहे हैं कितना ज़्यादा क्यू है, क्योंकि हम लोग सैटरडे को गए हैं तो ऑब्वियसली वीकेंड है तो क्राउड तो रहेगा ही सही। तो देख रहे हैं पिकअप पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से हमें बस पिकअप करेगी। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा स्किप किया है मैंने वीडियो को क्योंकि क्राउड लंबा था, तो हमें एटलीस्ट यहाँ पर ही 15 मिनट्स लग गए थे। तो अभी हम बस में बोर्ड करने वाले हैं, तो बस देख ही रहे हैं, सामने मोदी जी का भी फ़ोटो है और इधर स्टैचू ऑफ यूनिटी की बस है। कंटिन्यूसली बसेस हैं यहाँ पे, बहुत सारी बस है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जिस केवड़िया नाम की जगह है यहाँ पे, जिस टापू पे से बनाया गया है, बहुत ही ग्रीनरी है इसके चारों तरफ, आप खुद आगे जा कर के देखेंगे। अभी हम बस में बोर्ड कर चुके हैं फ्रेंड्स, ये हमारे विजेंद्र सर जी जा रहे हैं आगे और हम लोग भी बैठ गए, मैं और योगेश भाई साथ साथ ही थे, तो योगेश भाई भी आपको भी दिखेंगे थोड़ी देर में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम लोग निकलना चालू करेंगे और बस पूरी एसी है, अच्छा वेंटिलेशन है। मैं और योगेश भाई पूरा मास्क वगैरह लगा करके बैठे हैं, बिल्कुल सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। और हमारे साथ में जितने भी लोग आए थे, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेस है एक्चुअली ये देखा जाए तो, क्योंकि आसपास ग्रीनरी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो पूरा कैंपस जब सेटलमेंट हो रहा था या लैंड एक्विजिशन हुआ था, उस टाइम पे यहाँ पर कुछ गांव हैं जो स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों को हटाया नहीं गया है, वो अभी भी इस कैंपस में ही रहते हैं। आपको आगे थोड़ा वो दिखेगा उसका, क्योंकि अराउंड 4 to 5 किलोमीटर का ये रूट है, जैसा कि हमें बताया गया था जब मैं इसको शूट किया था। तो इसमें मैंने पूरा शूट नहीं किया है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाता है तो व्लॉग भी कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हट वगैरह बनी हुई है, ये छोटी छोटी शॉप्स हैं, आगे भी आपको छोटी छोटी शॉप्स दिखेगी, फिर बाद में एक यहाँ पर पूरा एक मॉल बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर किसी भी चीज़ में जो नाम दिया गया है वो एकता दिया गया है, जो यूनिटी से आया है फ्रेंड्स। अभी हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पर, तो बने रहिए ब्लॉग में। अभी हम आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जैसा कि आप देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई जी का जो मूर्ति है वो दिख रही है यहाँ से। तो हमारे साथ में योगेश भाई भी हैं वापिस से, पूरे ट्रिप में योगेश भाई हमारे साथ में हैं आज। एंजॉय द स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो योगेश भाई भी हमारे साथ पूरा मजा कर रहे हैं।
फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, ये हमारा बस स्टैंड है जहाँ पे हमें बस ने ड्रॉप किया था। और हमारे एक सर हैं, वो बोल रहे हैं कि टाइम कम है, जल्दी जल्दी करो क्योंकि हमें 4 बजे से पहले चेक इन करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या रूट है, क्योंकि एक्चुअली है वेरी इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, जब भी आप आएंगे तो ईजी टू फाइंड कर लेंगे। अभी हम लोग टिकट चेकिंग एरिया में जा रहे हैं, यहाँ पर 3 बैरियर्स हैं, 3 बैरियर्स मतलब जहाँ पर आपकी 3 बार सिक्योरिटी चेक्स होंगे। यहाँ पे आपकी टिकट चेक्स होगी, उसके बाद में आपको आगे जाना है। फ्रेंड्स ये पूरा वॉकवे बना हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहीं से आपको होते हुए अपना चेकिंग करवानी है। चेकिंग होने के बाद में आपको CSF अंदर अलाउ करेगी क्योंकि पूरा CSF के अंडर में है। और फ्रेंड्स अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए पूरा डेडिकेटेड हूँ। तो प्लीज़ आप भी मेरे लिए डेडिकेटेड रहिए, बिकॉज आप सबका प्यार ही चाहिए। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं अंदर। तो आप देख ही रहे हैं फ्रेंड कितना बड़ा स्टैचू है। अब इसके बाद में हम इसके अंदर जाएंगे, लिफ्ट है और लिफ्ट के थ्रू हम ऊपर जाएंगे, ऊपर चेस्ट लेवल तक जाएंगे और वहाँ से व्यू देखेंगे। फ्रेंड्स बने रहिए ब्लॉग में। अब हम ऊपर आ गए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना क्राउड है और कितना रश भी है और शोर भी बहुत हो रहा है, बट मैंने शूट किया है फिर भी अपनी वॉइस में। देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है और बहुत ही बेहतरीन व्यू है। उसके बाद में हमें योगेश भाई कुछ दिखाने के लिए लेके जा रहे थे, देखिए फ्रेंड्स पर योगेश भाई हमें स्टील स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं किस तरह से ये बना हुआ है। तो पूरा स्टील स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ही ये आवरण बनाया गया है जो हमें बाहर दिखता है स्टैचू ऑफ यूनिटी में। सरदार वल्लभ भाई जी का जो स्टैचू है वो हमें पूरा इसी बेस पे टिका हुआ है। देखिए फ्रेंड्स कैसे बनाया हुआ है इसको पूरा स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स अब व्यूज़ तो पूरा देख ही चुके हैं, अब यहाँ से एग्ज़िट करना है। अब हम एग्ज़िट करने के लिए नीचे जाएंगे लिफ्ट के थ्रू, उसके बाद में नीचे भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे कि हम नीचे पहुँच जाएँ उसके बाद में। और नीचे मतलब पूरा म्यूज़ियम टाइप का बनाया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स जो उस ज़माने में छपे थे उनके नाम से। तो हम नीचे आ गए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लिफ्ट में शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उनका हेड रखा हुआ है स्पेशली, और जैसा कि आप देख रहे हैं कितना मॉल टाइप से इसको बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन है एक्चुअली। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो विज़िट करने पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ये देखिए लोग भी पिक्स वगैरह ले रहे हैं, अनिश भाई भी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो पिक्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे हेड के पास में बहुत सारी पिक्स क्लिक करी थी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से फिर अब हम लोग थोड़ा सा अंदर का व्यू और है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए पूरा मैपिंग वगैरह है और जो जो उस टाइम पे हुआ और उन्होंने जो जो हार्ड वर्क किए इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए और एक अच्छी गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो सब उनके बारे में हिस्ट्री लिखी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं पुराने फ़ोटोज़ सिनारियोज़, और यहाँ पर एक सिस्टम और है प्लेज लेने का कि जिसमें लोग अपना नेम फीड करके प्लेज लेते हैं यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये सब बनाया गया है, जैसे भारत का एकीकरण, यूनाइटेड इंडिया, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। और रियली जो भी हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए काम किया है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए, रियली वो एक बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि एक एकता में जोड़ के रखता है ये भारत को, क्योंकि इसमें कौन सी पार्टी कोई रिलीजियस ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छे से एक आयरन मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। देखिए फ्रेंड्स उनके बारे में बुक्स, कॉमिक्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पे विज़िट करने, बहुत ही अच्छा प्लेस है, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, हमने तो खूब एंजॉय किया है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स पूरा अखबार की कटिंग्स वगैरह भी सब यहाँ पे लगी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा क्राउड था उस टाइम पे जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो बहुत ही क्राउड था, बट ओके हमने भी खूब एंजॉय किया। और यहाँ का सबसे बड़ी चीज़ है अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे टिकट्स वगैरह जो आपने टाइमिंग बुक किया उसी टाइमिंग पे आप एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे बारकोड वगैरह का स्कैनिंग है, आपका QR कोड स्कैन होता है उसके बाद ही फर्दर आपको अलाउ होता है। लाइक मेट्रो में जैसे हम लोग कॉइन रखते हैं उसी टाइम से गेट खुलता है, और इस यहाँ पर भी ऐसा है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो टिकट लेकर अपने साथ में आएँ, जो मैं आपको प्लेज वाला बता रहा था वो यहाँ पर ही है। देखिए बहुत सारे लोग शपथ भी ले रहे हैं यहाँ पर, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मतलब ये देखिए यहाँ पर कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, कि मतलब ये शो करता है कि हाउ मेनी पर्सन्स केम टू स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड हाउ मेनी पर्सन्स हैज टुक प्लेज हियर।
सो मेक ए प्लेज फॉर ए बेटर इंडिया। सो एक मेरा फ्रेंड है रोशन, वो भी टाइप करके लिख रहा है, जो हमारे साथ में यहाँ से गए था। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा है जो लोगों को हेल्प करता है। ये सरोवर डैम आ गया जस्ट नियर टू स्टैचू ऑफ यूनिटी है, पूरा उस कैंपस में ही है और वहाँ से ही पूरा लाइट शो स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, लाइट शो का भी एक अलग से व्लॉग मैंने शूट किया है, वो भी मैं आपको वेरी सून अपलोड करूँगा, तो वेट कीजिएगा, वो भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा नीचे का सिनेरियो है जो म्यूज़ियम बना हुआ है। ये सरोवर डैम का जस्ट एक एनिमेशन टाइप का है, जहाँ से पूरा बांध का पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ये थिएटर है जहाँ पर पूरा बताया गया है यहाँ पे लोगों को कि डैम का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। सो पब्लिक बहुत इंटरेस्टिंग से यहाँ पे सुन रही थी, मैं भी काफ़ी देर यहाँ पे खड़ा रहा, तो मैंने थोड़ा बहुत ही यहाँ पे शूट किया है, बिकॉज ज़्यादा ब्लॉग लेंदी हो जाता है, इसलिए एक चीज़ पूरा कवर नहीं कर सकते। बस यहाँ पर ही मैं आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ, नीचे क्या क्या है मैक्सिमम मैंने कवर किया है। फ्रेंड्स, ये जो पार्ट है जो मैंने शूट किया है, ये मैंने एंड में किया था, क्योंकि इसमें पूरा फाउंडेशन बताया गया है कैसे कैसे उनका स्टैचू बनाया है और स्टैचू की हाइट कितनी है, वो सब भी। हम ऊपर आ गए एकदम एकदम अंगूठे के पास में, पैर के पास में आप देख सकते हैं। लेकिन बस अब यही है कि अब इसके आगे तो हम आपको दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि जो नीचे से व्यू दिखाया वही दिखेगा, क्योंकि कैमरा पूरा अप्रोच नहीं कर पा रहा है ऊपर। सो फ्रेंड्स, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर चैनल प्रियाची कपल। पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी का ब्लॉग आपको मैंने दिखा दिया है, और इस ब्लॉग को भी पूरा देखिएगा पहले की तरह, और हमें आपका प्यार इसी प्रकार से चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, एंड हैप्पी गांधी जयंती।